सारा देशेर साथे राज्य यथाजोग्य मर्यादाय पालन करा हुए छे सशस्त्र बाहिनीर पताका दिवस। डायरेक्टरेट अफ सैनिक वेलफेयर बोर्डेर उद्योगे आयोजित पताका दिवसेर मूल अनुष्ठानेर आयोजन करा हुए छे राजधानीर रवीन्द्र भवन प्रांगणे। अनुष्ठानेर सूचना करें राज्य सैनिक बोर्डेर ब्रिगेडियर जेपी तिवारी। ब्रिगेडियर तिवारी जानान, 1949 सालेर आजकेर एई दिनेई घोषित हयेछिल सशस्त्र बाहिनीर पताका दिवस। मूलत शहीद परिवारेर सहायतार्थे एकटि फंड गठन करा आर सेई फंडेर अर्थ संग्रह करा हय एई दिन। साधारण मानुष पताका दिवसे शहीद सैनिक परिवारेर उद्देश्ये अर्थ सहाय्य करे थाके, सेई अर्थे सहाय्य सहायता करा हय सैनिक परिवारेर अन्यान्य सदस्यदेर। बेसिकली आज का जो दिन है 7 दिसंबर, हर साल इसको आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है और आर्म फोर्सेस फ्लैग डे इसलिए मनाते हैं कि सन 1949 में जो है ये डिसाइड किया था हमारी जो पार्लियामेंट कमेटी ने कि जो हमारे सोल्जर्स चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, जब वो युद्ध में शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिलीज और उनके बच्चों को देखने के लिए कोई इस तरह का कोई फंड नहीं था गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जैसे हमारे सोल्जर्स हैं बहुत यंग एज में जो है वो भर्ती होते हैं और यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, तो अगर कोई जवान हमारा शहीद होता है तो उसके पास में ऐसा कोई बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप, कि जिससे उसके परिवार को देखभाल किया जा सके। उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो उनको जो है रीएम्प्लॉयमेंट देना, उनका एजुकेशन देना, उनको एजुकेशन ग्रांट का प्रोविजन करना, वेरियस ग्रांट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी देना। तो उस समय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे को एक ऐसा ग्रांट होना चाहिए, ऐसा फंड होना चाहिए कि जिस फंड में पब्लिक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी हमारा जो पब्लिक है वो वॉलंटरी, ये कोई हम जबरदस्ती वाला नहीं है, पब्लिक को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है, अपनी श्रद्धा से जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और ये जो पैसा है ये पूरा जो है वेलफेयर एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है।